हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 5 मदर्स डे, जिसके लेखक हैं जेबी प्रेस्टली। अब हम पहले इस पूरे पार्ट की समरी को समझेंगे। इस पार्ट में मेनली 5 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है, वो है जॉर्ज पियर्सन। लगभग 50 वर्ष की आयु है, गंभीर हैं पर अडम्बरी, भारी थोड़ी वजन है उनका। अब इनकी पत्नी के बारे में बताया गया है, मिसेज एनी पियर्सन, मधुर प्रकृति वाली पर चिंताग्रस्त दिखने वाली 40 वर्षीय जॉर्ज की पत्नी। अब यहाँ पर तीसरे कैरेक्टर हैं, वो हैं डोरिस पियर्सन। पियर्सन दंपत्ति की कामकाजी लड़की, यानी इन दोनों पति पत्नियों की लड़की, 20 से अधिक आयु की, बिगड़ी हुई। अब उनके बेटे के बारे में बताया गया है, साइरल पियर्सन, बिगड़ा हुआ नौकरी पेशा बेटा। ठीक है, अब इनके जो पड़ोसी हैं वह हैं मिसेज फिटरजेल्ड, बड़ी आयु की, भारी वजन तथा मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला, कुछ जादू टोना जानती हैं जो। मिसेज पियर्सन की सहेली और पड़ोसी भी हैं, ज्योतिष ज्ञाता हैं। अब नाटक की घटना का स्थल है पियर्सन का घर, जो लंदन के उपनगर में स्थित है। समय है दोपहर का, घर में आराम के साधन हैं, यानी कि एसी, कूलर, पंखा, सब चीज़ हैं। मिसेज पियर्सन तथा मिसेज फिटरजेल्ड एक छोटी मेज पर आमने सामने बैठी थी। अब घर में जो डाइनिंग रूम होता है वहाँ पर ऐसे बैठते हैं। वे एक समस्या पर चर्चा कर रही थी जो लगभग सभी माँ को घर पर झेलनी पड़ती है। माँ को लोग नौकरानी समझ लेते हैं, उनकी सेवाओं को पहचाना नहीं जाता। मिसेज पियर्सन शिकायत करता है, जो भी अपनी पड़ोसन मिसेज फिटरजेल्ड से शिकायत करती हैं। उनकी पड़ोसन मिसेज पियर्सन को समझाती है कि कुछ कठोर बनो, अपने परिवार को ही बांस बनो, अपने परिवार की बांस बनो, बांस मीन्स बेस, नींव बनो अपने परिवार की। मिसेज पियर्सन तो एक दब्बू, स्नेहपूर्ण पर विनम्र महिला है, सबसे मतलब दबी सहमी सहमी सी रहने वाली महिला है। वह स्वीकार करती हैं कि उसके बच्चे अविचारी तथा स्वार्थी हैं, पर वे उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहते। माँ को बच्चों से इतना प्रेम है कि बहन से कठोर पेश नहीं आ सकती। कौन? मिसेज एनी पियर्सन अपने बच्चों से, डोरिस पियर्सन और साइरल पियर्सन अपने बेटे बेटी से। इस समस्या को लेकर वे अपने पड़ोसन को बताती हैं, मिसेज पियर्सन मिसेज फिटरजेल्ड को। अब उनकी पड़ोसन मिसेज फिटरजेल्ड एनी पियर्सन को कहती हैं कि अपने प्रति बेहतर व्यवहार की मांग करो, बड़ी आयु के पति बेटा तथा बेटी किसी को भी अधिक छूट देना उन्हें बिगाड़ देता है और हानि पहुंचाता है। उन्हें चाहिए कि वे घर में पत्नी और माँ की ओर भी ध्यान दें, केवल आदेश ही ना दें अथवा नौकरानी की भांति उनसे काम ना लें। वह मिसेस पियर्सन को सलाह देती हैं कि संकोच मत करो, ना ही घर में कलह से डरो। अब मिसेस पियर्सन उठने लगती हैं, क्योंकि अब उनके पति और बच्चों का घर आने का समय हो गया है। आते ही वह चाय की मांग करेंगी, फिर बाहर घूमने निकल जाने की हड़बड़ी में हो जाएंगे। पड़ोसन माँ को खींच कर बिठा लेती है। वह चाहती है कि घर में सभी सदस्य अपना अपना काम स्वयं करें। वह अपनी सिगरेट जलाती है। कौन? मिसेस फिटरजेल्ड। मिसेस पियर्सन उसकी बात से सहमत तो हैं, पर उसकी योजना पर अमल नहीं कर सकती। तो मिसेस फिटरजेल्ड कहती हैं कि तो यह काम मुझे करने दो, बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं लेकिन तुम्हारे रूप में। वह प्रस्तावित करती हैं कि हम लोग अपने अपने स्थान को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह। ऐसे मान लीजिए आप कि आत्माओं का एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ बॉडी वही है पर आत्मा एक्सचेंज हो रही है। मतलब मिसेस फिटरजेल्ड और मिसेस पियर्सन एक दूसरे के जैसे दिखती हैं, तो वह अपने अपनी जगह को एक्सचेंज कर रही हैं, अपने अपने व्यक्तित्व का आदान प्रदान कर रही हैं कुछ समय के लिए। अब मिसेज पियर्सन मिसेज फिटरजेल्ड की भांति दिखने लगती हैं और मिसेज फिटरजेल्ड मिसेज पियर्सन की भांति दिखने लगती हैं। वह रूप रंग में तो मिसेज पियर्सन ही दिखेंगी, पर उसके अंदर दृढ़ता होगी मिसेज फिटरजेल्ड की, क्योंकि उनने अब अपना रूप चेंज कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। वह मिसेज पियर्सन को कहती हैं कि कुछ भी मत सोचो, मेरी ओर देखो। वह कुछ जादुई शब्द बड़बड़ाती हैं। दोनों महिलाएं कुछ समय के लिए ढीली पड़ जाती हैं, फिर दोनों सजग हो जाती हैं, यानी कि जो जादू टोना में दिमाग सुनने नहीं हो जाता उस टाइप का। वे एक दूसरे की आवाज़ तथा रंग रूप अपना लेती हैं
यानी कि अब पूरी तरह से उन्होंने जादू करके एक्सचेंज कर लिया। इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया गया कि मिसेस फिटजेरल्ड कुछ जादू टोना जानती हैं, इसलिए उन्होंने मिसेस पीटरसन की जगह ले ली है। फिर दोनों सजग हो जाती हैं, वे एक दूसरे की आवाज़ तथा रंग रूप को अपना लेती हैं। मिसेस पीटरसन साहसिक तथा दबंग बन जाती हैं क्योंकि उनके अंदर अब मिसेस फिटजेरल्ड हैं, और बल्कि मिसेस फिटजेरल्ड जो कि एक साहसिक महिला थी, वह अब मिसेस पीटरसन की तरह दब्बू महिला बन जाती हैं। मिसेस पीटरसन जब देखती हैं कि उसका शरीर भी बदल चुका है तो वह भय से चीख मारती हैं, क्योंकि जब कोई भी अपने आप को देखेगा कि वह पूरी तरह से एक्सचेंज हो गया है तो वह डर तो जाएगा ही, और डर से चीखती हैं मिसेस पीटरसन। पर उसे आश्वस्त किया जाता है कि परिवार का कोई भी सदस्य इस व्यक्तित्व परिवर्तन को नोट नहीं कर पाएगा, उन्हें तो सामना करना पड़ेगा मिसेज पीटरसन के रूप में मिसेज फिटजेरल्ड का। अब क्योंकि मिसेज पीटरसन के रूप में मिसेज फिटजेरल्ड आ रही हैं, बदले हुए व्यक्तित्व वाली मिसेज पीटरसन पड़ोस के घर में चली जाती है। मिसेज पीटरसन बैठकर सिगरेट पीती हैं तथा ताश खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद ही उनकी बेटी डोरिस आ जाती है। वह मम्मी को बोलती है कि उसके पीले सिल्क वाले कपड़ों पर प्रेस कर दें। माँ को धूम्रपान करता देख तथा ताश खेलता देख वह एकदम हक्का बक्का रह जाती है। पेनी आवाज़ में उसे उत्तर मिलता है, जब वह चाय मांगती है तो अभी तक नहीं बनी है, मिसेज पीटरसन कहती हैं। माँ बताती हैं कि वह कुछ समय बाद स्वयं क्लेरिडन में डिनर के लिए जाएंगी। डोरिस क्रोधपूर्ण कहती है, मैं 8 घंटा परिश्रम करके आई हूँ, मुझे 1 कप चाय भी नसीब नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे काम की अवधि तो 16 घंटे है, और जहाँ तक बात रही तुम्हारे मंगेतर की, किसकी मंगेतर की, डोरिस जो उसकी बेटी है, वह 1 नंबर का निकम्मा व्यक्ति है, उसकी माँ ऐसा कहती है। घर लौटने वाला दूसरा व्यक्ति है साइरल, जो कि मिसेस पीटरसन का बेटा है। वह भी चाय मांगता है। वह उसे गहरी ठेस लगती है जब वह अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देखता है। वह पूछता है, क्या मेरी ड्रेस की मरम्मत कर दी गई है, यानी कि उन्हें सही कर दिया गया है, धो दिया गया है। पर माँ बताती है कि मुझे मरम्मत करना पसंद नहीं है। जहाँ तक साइरल के ऑफिस की काम की बात है, कोई भी कर्मचारी वहाँ नापसंदी वाले काम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि ऑफिस में जो काम करना पसंद नहीं होता वो मना कर देता है साइरल के ऑफिस में। इसीलिए उनकी माँ ने भी मरम्मत करने से मना कर दिया। उसे यूनियन की मदद तुरंत मिल गई। माँ डोरिस को कहती है कि तुम तो बहुत डरावनी लगती हो इस लिबास में। फिर माँ स्टाउट मदिरा पीने की इच्छा करती है। अब वह दारू पीना चाहती है उसकी माँ मिसेज नई मिसेज पीटरसन, और वह गिलास लेकर बैठ जाती है। वह डोरिस को रुला देती है, अब कोई भी देखेगा ऐसा, और उसकी माँ ने उसको वैसे भी कहा था कि तुम कितनी डरावनी लग रही हो इस ड्रेस में, बल्कि वह उस ड्रेस को पसंद करती है। तो अब वह डोरिस को रुला देती है तथा साइरल की बोलती बंद कर देती है। उन्हें शक होने लगता है, किन्हें, डोरिस को और साइरल को, कि माँ का सर शायद किसी चीज़ से टकरा गया है तथा उसका सर घुमड़ा गया है, यानी कि उल्टा पुल्टा हो गया है। पर यह बात कहने का साहस किसी नहीं था। मिसेज पीटरसन यहाँ पर बताती है कि मैं भविष्य में, यानी कि कभी कभार थोड़ा बहुत खाना पका दिया करूँगी, लेकिन उस अनुग्रह के लिए तुम लोगों को निवेदन करना होगा तथा धन्यवाद देना होगा। मैं सप्ताहांत में, यानी कि सप्ताह के एक दिन में, संडे को छुट्टी भी दिया करूँगी ताकि मन बहल जाए। अब उनके पति हैं जो जॉर्ज पीटरसन, वह घर में आते हैं। वह डोरिस के आंसू देखते हैं, फिर वह अपनी पत्नी को असमय शराब पीते देखते हैं, यानी कि बिना किसी समय के शराब पी रही है। जिस तरह से देखते हैं उन्हें आश्चर्य हो जाता है और वह नाराज हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि चाय अभी तक तैयार नहीं है, तब उन्हें उनकी पत्नी बताती है कि तुम तो क्लब के सदस्यों के लिए हास्य का विषय हो, यानी कि हंसने वाली, तुम्हारे पर लोग हंसते हैं, वे तुम्हें पापी आम्पी पीटरसन कहते हैं, क्योंकि तुम इतने धीमे काम की आडंबरी हो। जॉर्ज आतंकित, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाता है। वह साइरल की ओर मदद के लिए मुड़ते हैं, पर साइरल अपनी माँ के कथन की पुष्टि करता है, यानी कि माँ का साथ देता है, बल्कि जॉर्ज को लगा कि शायद उसका बेटा उसके साथ बोलेगा, पर वह माँ के साथ बोलता है कि, वह कहता है कि आपके पीठ पीछे क्लब के सदस्य आपका मजाक उड़ाते ही हैं। जॉर्ज बुझे मन से बाहर चले जाते हैं, यानी कि उनको बुरा लग जाता है। साइरल
माँ की ओर क्रोध से देखता है तथा पूछता है कि आपने डेट की भावना को अब ठेस। माँ का उत्तर मिलता है कि यदि सच्चाई से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, यदि और किसी को चोट लगती है तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यदि डेट क्लब में इतना अधिक ना जाएं तो अन्य लोग उन पर हंसना बंद कर देंगे। अब मिसेज पियर्सन लगे हाथों साइरल को भी सुनाने लगती हैं। वह उसे कहती हैं कि तुम ढेर सारा समय तथा पैसों कुत्तों की दौड़ पर रेस पर तथा बर्फ पर आयोजित शो पर उड़ाते हो, अगर तुम इतना पैसा ना उड़ाओ तो बेहतर होगा। अब मिसेज पियर्सन जो कि दिखने में मिसेज फिटरजेल्ड है, वह पड़ोस के घर से आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं। साइरल उन्हें मूर्ख तथा बूढ़ी औरत कहता है। माँ इस पर एतराज करती है, पड़ोसन को आने दिया जाता है। वह आते ही पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। साइरल अपने पारिवारिक मामलों में किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करता। माँ उसे डांट कर चुप करा देती है। किसे? साइरल को। वह उसे मूर्ख और बिगड़ा हुआ युवक कहती है। पड़ोसन में जो वास्तव में असली माँ है, वह प्रतिरोध करती है, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके बेटी को कोई डांट रहा है। मिसेज पियर्सन जो कि वास्तव में मिसेज फिटरजेल्ड है, वह कठोरता से उनसे कहती हैं कि मुझे अपना घर अपने ढंग से चलाने दो। साइरल तथा जॉर्ज दोनों नाराज होती हैं जब पड़ोसन उन्हें उनके नाम के पहले अक्षर से संबोधित करती है, जब मिसेज फिटरजेल्ड आकर उन्हें उनके नाम से बुलाती है। अब मिसेज पियर्सन जो कि वास्तव में मिसेज फिटरजेल्ड हैं, वह मिसेज फिटरजेल्ड को बताती हैं, यानी कि अपने पड़ोसन को बताती हैं कि मैं इन सबको इनकी औकात दिखा कर रहूँगी। अंग तो को यह जानकर कष्ट होता है। किसको? मिसेज पियर्सन को। असली वाली मिसेज पियर्सन है जो कि दिखने में मिसेज फिटरजेल्ड हैं, कि उसके पति जॉर्ज को भी आघात पहुँचा है। जॉर्ज आकर बैठ जाते हैं तथा पाइप जला लेते हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी पत्नी अशिष्ट तरीके से व्यवहार कर रही है, चाय नहीं बनाई, उन्हें पाम्पी कहा तथा डोरिस को रुला दिया। अंत में पड़ोसन को लड़ाई झगड़े में मजा लेने के लिए बुला लिया। वे चाहते हैं कि पड़ोसन को वापस भेज दिया जाए, पर उनकी पत्नी उनके अभद्र व्यवहार को प्रतिवाद करती है। वह उनसे कहती है कि आप क्लब क्यों नहीं चले जाते। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि उनकी पत्नी इतनी पागल या सनकी क्यों हो गई है। पत्नी उछलकर खड़ी हो जाती है, यानी कि अचानक से खड़ी हो जाती है तथा उन्हें उनके मूर्खतापूर्ण थुलथुल चेहरे पर तमाचा जड़ देने की धमकी देती है, यानी कहती है मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगी। जॉर्ज को यह जानकर हैरानी होती है कि पड़ोसन उनकी पत्नी को मिसेज फिटरजेल्ड कह रही है, क्योंकि अब मिसेज पियर्सन है, वह मिसेज पियर्सन दिखने वाली मिसेज फिटरजेल्ड को फिटरजेल्ड कह रही हैं, पर यह बात सिर्फ उन दोनों को मालूम है, जॉर्ज को नहीं। इसलिए वह हैरान होता है और वह हक्के बक्के रह जाती हैं। वे सोचते हैं कि संभवतः उनकी पत्नी को नशा चढ़ाया गया है। डोरिस कमरे में प्रवेश करती है। अब वह भी उस डाइनिंग रूम में आ जाती है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। अब जो पड़ोसन है वह उससे चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने के बारे में पूछती है। अब डोरिस की प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है, पर माँ उसे डांट कर चुप करा देती है, क्योंकि डोरिस को पसंद नहीं है कि उसकी और उसके मंगेतर के लिए कोई भी किसी तरह का सवाल करे। पड़ोसन पूछ रही है, बल्कि पड़ोसन असली माँ है उसकी, ये बात सिर्फ उसकी माँ को ही पता है और मिसेज फिटरजेल्ड को पता है। डोरिस बताती है कि मैंने चार्ली के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उसकी शिकायत है कि माँ चार्ली को मंदबुद्धि मूर्ख कहकर उसे चोट पहुँचा रही है। स्थिति माँ के लिए असहनीय बन जाती है, जो मिसेज फिटरजेल्ड के रूप में है। एक निर्णय लेकर उठ खड़ी होती हैं। वह एक निर्णय लेकर खड़ी होती हैं। मिसेज पियर्सन जॉर्ज को तथा डोरिस को दोनों को कहती हैं कि कुछ मिनटों के लिए हमें अकेला छोड़ दें, हम तीनों मिलकर मामले की बातचीत द्वारा सुलझा लेंगे। दोनों महिलाएं मेज पर बैठ जाती हैं तथा अपने अपने असली रूप में आने का निर्णय लेती हैं।
वास्तविक मिसेज पियर्सन से अब यह नाटक सहन नहीं होता और वे पूर्व की भांति औपचारिक तरीके से अपने असली रूप में आ जाती हैं। मिसेज फिट्ज़गेराल्ड को तो यह अनुभव बहुत ही रोचक लगा पर मिसेज पियर्सन को बहुत पीड़ादायक। वह अपने पड़ोसन की सलाह शांतिपूर्वक सुन लेती हैं। कौन? मिसेज पियर्सन, वास्तविक वाली, अब जो असली रूप में आ चुकी हैं। वह उनको सलाह देती हैं कि अपने पति तथा बच्चों के साथ कोई भी नरमी मत दिखाओ तथा इस नाटक की ना तो असलियत बताना ना ही उसके लिए खेद व्यक्त करना। पर मिसेज पियर्सन यह स्वीकार करती हैं कि मैं अपने घर वालों को इस प्रकार जलील नहीं कर सकती। वह यह बताती हैं कि वह उन लोगों से क्या अपेक्षा करती हैं। वह चाहती हैं कि सभी लोग घर पर एक साथ रुकें, खाना पकाने में हाथ बटाएं तथा सभी लोग एक गेम रमी खेलें, यानी कि जो ताश होता ऑनलाइन खेलते रमी या फिर सामने भी मेज पर बैठ के खेलते वह रमी गेम खेलें। मिसेज फिट्ज़गेराल्ड एक छोटा सा नाटक पुनः आयोजित करती हैं। इस बार बारी है मिसेज पियर्सन की। वह अपने परिवार के साथ सख्ती से पेश आए। सभी लोगों को अंदर बुला लिया जाता है। पड़ोसन जाने के लिए उठ खड़ी होती है जबकि मिसेज पियर्सन मुस्कुरा देती हैं। सभी को बहुत राहत मिलती है क्योंकि कोई बाहर जाने को तैयार नहीं है। माँ उनके सामने योजना रखती है। पहली, सब लोग मिलकर रमी गेम खेलें। दूसरी बात, बच्चे मिलकर आज डिनर बनाएं। अंतिम बात, वह जॉर्ज के साथ कुछ बातें करना चाहती है। इस योजना को सभी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। माँ अपनी सहेली पड़ोसिन को विदा करती है तथा उसे पुनः आने का निमंत्रण भी देती है। परिवार के सभी सदस्य मिसेज पियर्सन को घेर कर बैठ जाते हैं। इस तरह इस चैप्टर की एंडिंग होती है जिसमें बताया गया है कि एक महिला किस तरह से अपने परिवार में अपने बच्चों द्वारा और अपने पति द्वारा डरती है या दबती है। और इस चैप्टर की हमने पूरी समरी को कवर कर लिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।